आखिर क्यों डरते हैं सनी देओल से इतना बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान। हाँ, आप सभी हैरान होंगे इस बात को जान के कि शाहरुख खान और सनी देओल के बीच में एक बार बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से आज भी शाहरुख खान और सनी देओल एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि सनी देओल को शाहरुख खान पर बहुत गुस्सा आया था। और गुस्सा आने की वजह क्या थी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहें हमारे इस वीडियो को, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्मी जगत में सितारों के बीच बहस की खबरें आती ही रहती हैं। सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में फिल्म आई डर 1993 के दौरान आई दरार के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म डर के बाद सनी देओल ने यश चोपड़ा के साथ काम नहीं किया था और लगभग 16 सालों से शाहरुख खान से बात नहीं की। लेकिन एक बार फिर सनी और शाहरुख खान के बीच आई दरार की बात उठी और इस बार सनी देओल ने खुद इस बारे में बताया। हाल ही में जब एक टीवी शो पर गए सनी देओल से शाहरुख खान से बात न करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है उनको गलत होने का डर रहा होगा। फिल्म डर की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए सनी बोले कि मैं फिल्म में कमांडो के रोल में था और सीन में शाहरुख खान को मुझे चाकू मारना था। मैं इतना फिट था तो कोई मुझे चाकू कैसे मार सकता है। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन यश जी बड़े थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने गुस्से में अपने हाथ जींस की जेब में डाले और इतना गुस्सा आया कि मैंने जींस की जेब फाड़ दी, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। जब सनी से पूछा गया कि क्या 16 साल तक उन्होंने शाहरुख खान से बात नहीं की, इस सवाल के जवाब में सनी बोले कि ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, पता नहीं क्या हुआ, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं होता तो हम कभी मिले ही नहीं और बात नहीं हुई। वैसे भी मैं किसी पार्टी में नहीं जाता तो बात करने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में हुई बहस की बात। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 की